गए भारत। ये नहीं था तो हम छह को बोला काटे। हाँ, जिनके पास फालतू टाइम है वही हमारे वीडियो को देखे, नहीं तो जाके घर में बैठे। अच्छा, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी हम लोग आए हुए खेत में और मेरे साथ ये क्या नाम, सुभाष कुमार। पहले ही बोला है सुभाष कुमार, क्या बोला है सुभाष कुमार। और अभी हम लोग आए हुए खेत में धान काटने के लिए, और मतलब पहले से आधा कटा हुआ है और थोड़ा मोड़ा है बचा, तो थोड़ा हम पहले से काटे हैं। और यहाँ पे आप देखिए इतना दूर मैं पौधा काट के आया हूँ, उधर मम्मी काट रही है, और आपको टाइम लैप्स दिखाएंगे। ये चुप है, इसमें धान जो काटेंगे उसका लगभग 15 या 20 मिनट लगेगा इसको काटने में, तो पूरा इसका टाइम लैप्स बनाएंगे। आप टाइम लैप्स देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं और ब्लॉग में बने रहिए। तुम कुछ बोलेगा? और फिलहाल से अभी देख सकते हैं पूरा यहाँ का मौसम किस तरह का है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा। अभी हम लोग गाछी में मतलब खेत के बगल में बैठे हुए हैं, और कुछ नहीं, बस चलिए दिखाते हैं। तो दोस्तों टाइम लैप्स अच्छा से नहीं बन पा रहा है क्योंकि यहाँ पे मोबाइल रखने का कोई जगह नहीं है। मोबाइल पे यहाँ पे मैं फिट कर रहा हूँ अच्छे से, रखने के बाद बार बार मोबाइल गिर जा रहा है, इसलिए टाइम लैप्स अच्छा से नहीं बन पा रहा है। देखिए यहाँ पे रख दे रहे हैं लेकिन फिर भी जो है गिर जा रहा है, और ये चलवा के बोलेंगे रखने के लिए तो चलवा रखिए नहीं पाएगा, तो इसलिए टाइम लैप्स नहीं बन पा रहा है, पर कोशिश हम कर रहे हैं। What? और इधर फिलहाल इतना धान कट चुका है और अभी और काटना बाकी है, और मैं आपसे ट्राई करता हूँ कि अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है, डेली एक ब्लॉग डालूं। तो आप लोग क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम सोच रहे कि डेली एक ब्लॉग बना करके अपलोड करूं, क्योंकि बहुत दिन से ब्लॉग नहीं बना रहे ना, आदत छूट जा रहा है, तो बोलने का एक्सपीरियंस ख़त्म हो जाता है और बोलने में बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट होने लगता है, तो सोच रहा हूं कि कंटिन्यू ब्लॉग बनाऊं। आप लोग क्या राय देते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आपने पूरा टाइम लैप्स देख लिया होगा, और ये देखिए पूरा धान अभी कट चुका है 15 मिनट के अंदर अंदर में पूरा का पूरा, और 15 मिनट का टाइम लैप्स मुश्किल से 48 सेकंड का बना है, सोचिए कितना फास्ट चल रहा था। और देखिए पूरा कट चुका है, और हाँ, जिनके पास फालतू टाइम है वही हमारे वीडियो को देखे, नहीं तो जाके घर में बैठे और अपना पढ़ाई लिखाई करे, नहीं तो बाद में ये ना कर कि फालतू का ब्लॉग बनाता है और टाइम पास करता है। तो अगर आपके पास टाइम है तो ही हमारा ब्लॉग देखे, वरना आप ना देखे। तो दोस्तों अब चलते हैं घर, और तू इधर क्या कर रहा है बे, उस टाइम से क्या कर रहा है बे, घूमने के लिए आया था। देखिए गुंडा को देखिए, इसे घूमने के लिए आया था और एक भी नहीं काटा है, और पेड़ पे जाकर बैठा हुआ था आराम से। पूरा खेत हम काटे है, पूरा खेत हम काटे है, पूरा घर चलेगा। ये नहीं था तो हम छह को बोझा काटे हैं। छह को बोझा काटे हैं? माय, छह को बोझा काटे हैं। छह को बोझा काटे हैं। घर चलेगा? घर चलेगा कि नहीं जल्दी बताओ। चलेगा। चलो घर चले। बोतल उठाओ, हंसवा उठाओ, मेरा शर्ट उठाओ, मेरा चश्मा उठाओ, और फिर घर चले। और दोस्तों आपको एक बहुत ही प्यारा चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही प्यारा, देखने के बाद आपका दिल गार्डन सा हो जाएगा। और सुभाष क्या चीज है बताओ जो दिखाना जा रहे हो, दिल गार्डन ये देखिए 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 गार्डन। अच्छा ये मेरा चश्मा पहन लिया है, पावर वाला नहीं है। चलो
तो बस ऐसे ही मजाक मजाक में बोल दिया था भाई। तो चलिए चलते हैं घर। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा मतलब कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय भारत।